जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, के मुल्तान में हम आपको वेलकम करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हम आपको विहाड़ी शहर का ये व्यू दिखा रहे हैं। बेहतरीन लोकेशन पे हैं, खड़े हैं विहाड़ी, बिल्कुल विहाड़ी शहर आए हुए हैं जी। सब विहाड़ी का आपको व्यू दिखा रहे हैं व्यूअर्स। देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा सिटी है विहाड़ी, और ये मेरा ज़िला तहसील महल से ज़िला विहाड़ी, और इसकी हम मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये हाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं व्यूअर्स, और बेहतरीन माहौल है व्यू, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये विहाड़ी का हम विहाड़ी शहर का व्यू हम दिखा रहे हैं आपको व्यूअर्स। कि आज मैं आया हुआ था अपने दोस्त की मुलाकात करने के लिए, तो आज यकम मई थी, तो किसी दोस्त ने मिस गाइड किया है। वो कह रहे थे जी आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं हो सकी, और इसके बावजूद मैंने कहा जी वो काम तो नहीं हुआ, चले इस शहर में आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने 7-8 साल गुजारे हैं व्यूअर्स, और क्योंकि यहाँ इस शहर से जब चले जाते हैं तो मैंने 8-10 साल यहाँ पे जॉब की है हायर बोर्ड में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत शहर है, और मैंने ये सोचा है कि अपने व्यूअर्स को इसका व्यू दिखाया जाए, क्योंकि ये मेरा ऐसे मैंने कि हवाई शहर है। इसी मैं इसी जिला बहाड़ी का मैं रहने वाला हूँ व्यूअर्स, और इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं जी, और ये हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ये देख सकते हैं बेहतरीन व्यू है व्यूअर्स। इस वक्त मैं विहाड़ी खड़ा हुआ हूँ विहाड़ी शहर में, और उसका मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। बेहतरीन लोकेशन है जी, और ये 1122 का ऑफिस है व्यूअर्स, बिल्कुल विहाड़ी चौक इंटर होते ही यहाँ पर ये ऑफिस है। माशाल्लाह ये जो इदारा है लोगों की बहुत खिदमत करता है, और जब कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फौरन ये उसको ये उसके लिए बहुत फौरी की भी इमदाद मुहैया करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये इदारा है, और इनके लोग भी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि वे उस मेरा तो वास्ता पड़ता रहे यहाँ पे, और बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे कस्टमर भी रह चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये देखें जी विहाड़ी का व्यू शहर का, बिल्कुल विहाड़ी इंटर होते ही जी ये बेहतरीन व्यू है व्यूअर्स, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। ये व्यूअर्स ये हम वीडियो बना रहे हैं जी एस के मुल्तान पर, अपलोड करेंगे, क्योंकि आज मैं शहर आया हुआ था विहाड़ी, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जी आप लोगों के लिए। और बेहतरीन लोकेशन है ये देखें जी, चौक है, यहाँ से हम खानेवाल की तरफ जाएंगे इस रोड पे, और ये वापस हमें मुल्तान की तरफ ये रोड लेके जा रहे हैं। और ये जो रोड है व्यूअर्स पन्नी साइड से जो लेके जा रही है, वो जा रही है जी चिश्तियाँ, बहावल नगर और इस तरफ। व्यूअर्स इस वक्त मैं विहाड़ी बिल्कुल चौक में खड़ा हूँ जी, विहाड़ी में पहुँच चुका हूँ शहर में। यहाँ पर स्पेशल मैं वीडियो बनाने के लिए है, जैसे कि आपको पता है मेरा जो बिलोंग है यहाँ से, मैं ताल्लुक यहाँ से मेरा ताल्लुक है शहर से विहाड़ी से, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ व्यूअर्स आप लोगों के लिए। और बहुत ज़बरदस्त ये शहर है माशाल्लाह, बड़ी ज़्यादा वो बसता है इसके साथ, और बहुत ज़बरदस्त रहते हैं जी। इस वक्त मैं बिल्कुल विहाड़ी चौक विहाड़ी शहर पहुँच चुका हूँ जी, मुल्तान से विहाड़ी शहर में इस वक्त चल रहा हूँ जी। इस वक्त ये आपको बिल्कुल जहाँ पे जो इंट्री चौक है ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को व्यूअर्स। ये देखिए मेरे बैक साइड पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चौक बनाया है खूबसूरत व्यूअर्स, और ये मेरा, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि मेरा ज़िला विहाड़ी है, सील मैसी ज़िला विहाड़ी, और नकुल सील मैसी ज़िला विहाड़ी का एक शहर है छोटा सा मित्रों के साथ, एक चट्टर, और यहाँ से हमें स्टडी वगैरह भी मैंने इधर विहाड़ी में की है जी, सारी विहाड़ी में, और एक दाई तरीन जो मैंने हासिल की है अपने गांव से, और उसके बाद फिर मुल्तान में मैं पढ़ता रहा हूँ, उसके बाद के पास सेकेंड ईयर विहाड़ी में की है, उसके बाद जॉब वगैरह भी 8-10 साल एज ए ब्रांच मैनेजर यहाँ पर रह चुका हूँ। और यहाँ पर मेरी पुरानी यादें थी, और मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत खूबसूरत जॉब का व्यू। ये माशाल्लाह कैसी दवा दवाएँ जी जो आप देखते हैं आप,
बिहारी शहर को बहुत खूबसूरत दिखती है यहाँ से बिहारी सिटी में। और यहाँ पे इसका रेलवे स्टेशन भी बहुत प्यारा है यहाँ पे व्यूअर्स, और ये आप लोकेशन देख सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, और हमारी जाते हैं जिसमें है इंदौर की, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज रिहाड़ी है, और हम गाड़ियों पे आते थे और यहाँ पे बस वगैरह सर्विस यूज़ करते थे। और व्यूअर्स गाँव से तकरीबन हम 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गाड़ियों से सफ़र करके यहाँ पर कॉलेज पढ़ने आते थे, और हमारी डेली की रूटीन थी कि हम डेली अपने रिहाड़ी शहर आते थे। 27-28 किलोमीटर करने के बाद रिहाड़ी डिग्री कॉलेज पहुँचते थे, और जब एग्ज़ाम के दिन होते तो हम यहीं पर रिहाइश वगैरह रखते थे और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर खाने वगैरह हम खाते थे रिहाड़ी से। और बहुत ही प्यारा शहर है रिहाड़ी भी। व्यूअर्स यहाँ पे हमारी बहुत यादें हैं जी, दोस्त थे बहुत प्यारे यहाँ पे रिहाड़ी पे। कोई दोस्त अगर मेरे इस चैनल को देख रहा हो एस के मुल्तान 5311 पे, ये क्योंकि यूट्यूब चैनल ऐसा है जिससे कई बिछड़े हुए दोस्त वगैरह मिल जाते हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, व्यूज़ वगैरह भी आते हैं, और इससे हमारे काफ़ी दोस्त हमें वापस दोबारा मिलते हैं जो हमारे खोए हुए दोस्त थे। क्योंकि मैंने जी व्यूअर्स 5311 जो है बिल्कुल 2 साल मैंने अपने चेक कर के भी मैं अपनी जो ज़िंदगी है यहाँ पे इब्तदाई तलीम हासिल की। उसके बाद फिर मैं मुल्तान चला गया और मुल्तान पढ़ते रहे, फिर मैंने डिग्री कॉलेज दिहाड़ी में तलीम हासिल की, और इसके बाद फिर मैं मुल्तान चला गया। मुल्तान से फिर जब जॉब का करियर स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पे जो पहली मेरी पोस्टिंग थी वो मुल्तान में मैंने स्टार्ट की, सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड में। और इसके बाद व्यूअर्स मैंने वहाँ से फिर मैं चला गया अज़रबैजान के लिए 1 साल के लिए। उसके बाद जब हम वापस आए तो फिर हमने अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड थी वो हमने स्टार्ट की व्यूअर्स, वो मुजफ्फरगढ़ शहर से, और वहाँ से फिर प्रमोट होकर मैं जिला रिहाड़ी के लिए ब्रांच में कराया। यहाँ पर मैंने 4-5 साल ऊपर चला है कंपनी में काम किया, और उसके बाद फिर मैंने नसीजा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया, और अब इस वक्त मैं अपना काम कर रहा हूँ व्यूअर्स अशमान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मुल्तान में। व्यूअर्स तो ये जो बचपन की यादें हैं, क्योंकि कॉलेज हम यहाँ पे पढ़े और यहाँ पे मेरी पोस्टिंग जब हो गया यहाँ पे रिहाड़ी शहर में एज ए ब्रांच मैनेजर, तो बहुत खुशी हुई मुझे। और इन लोगों ने 1122 के ऑफिस और बाकी पंजाब कॉलेज, फायर कॉलेज, कंसर्ट यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा बहुत से सरकारी इदारे थे जी माशाल्लाह ज़रात वगैरह के, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत अच्छा बिज़नेस किया हमने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पहचान बनी खड़ी है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। तो व्यूअर्स इसलिए ये यादें थी जो मैंने आप लोगों से हाल शेयर की। और एस के मुल्तान 5311 और खलील अब्बास शाह, एस के मुल्तान को आप इजाज़त दें व्यूअर्स। ये हम इस वक्त खड़े हैं ये रिहाड़ी शहर के अंदर, और बिल्कुल रिहाड़ी शहर के बहुत ये चौक पर खड़े हैं हम, इंशाल्लाह ये वीडियो बना रहे हैं व्यूअर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, अब हमें इजाज़त दें एस के मुल्तान 5311 को, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।